नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल विलेज लाइफ एंड फूड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पहले भी कई एक वीडियो अपलोड किया है और इस बार एक महत्वपूर्ण सूचना आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोग भी बैंगन की खेती करते होंगे और बैंगन की खेती में देखते होंगे कि प्लांट ग्रोथ नहीं करता है और बैंगन के फल जब लगने लगते हैं तो वो झड़ जाता है। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। अगर आप ये काम करते हैं तो आपके बैंगन में बहुत सारे फल भी लगेंगे, साथ ही साथ उसके फूल झड़ेंगे नहीं। तो देखिए, ये बर्मी कंपोस्ट मैंने जो पहले वीडियो बना रखा था कि बर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं वो आप देख लीजिएगा। ये बर्मी कंपोस्ट मैंने बहुत ही आसान तरीके से तैयार किया है। ये बर्मी कंपोस्ट और साथ साथ यहाँ पे सड़े गली पत्तियाँ जो है, पत्ती जो रहती है जो पेड़ से झड़ जाते हैं, चाहे आप पेड़ कहीं से भी पत्ती ले आते हैं, वो पत्तियाँ आप एकत्र सड़ा गला नहीं हो तो पर भी आप वो डाल सकते हैं। कहीं से पत्तियाँ ले आइए और बर्मी कंपोस्ट ले आइए। देखिए, बैंगन का मैं प्लांट दिखा रहा हूँ आपको, आप देख रहे होंगे कि इसमें फूल लगे हुए हैं और कहीं कहीं आपको इसमें बैंगन आपको साफ साफ दिख जाएगा। देखिए, मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बैंगन का फल आपको बैंगन दिखेगा और ये देखिए बैंगन, ये अब तैयार हो रहा है। ये नहीं है कि अब इसका फूल झड़ जाएगा। तो आपको मैं बताऊँगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप आधा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना नहीं करना। आप लोग आधा वीडियो देख लीजिएगा। ये देखिए बैंगन का फल लगा हुआ है और ये झड़ता नहीं है। देखिए ये, और इसका ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से हुआ है। मैं बता दूं दोस्तों, ये जो बैंगन का पेड़ आप देख रहे हैं ना, वो मुझे लगाए हुए 1.5 से 2 महीना के बीच हुआ है। उतने में भी देखिए फलने फूलने लगा। देखिए, ये बर्मी कंपोस्ट जो मैंने तैयार किया था खुद अपने बागान में, उसको क्या कर रहा हूँ, जड़ के नज़दीक में, देखिए मैं क्या करूँगा, इसको जड़ के नज़दीक में दे दूँगा। मैं ऊपर थोड़ा दिखा रहा था कि फल कैसा है, ये जड़ के नज़दीक इस टाइप से आपको दे देना है। वो ऐसे करके मैं पूरे पूरे जितने पेड़ हैं सब में जड़ के नज़दीक ऐसे दे दूँगा। जड़ के नज़दीक ना हो तो अगल बगल भी वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि जड़ के नज़दीक दे, क्योंकि उसका पोषक तत्व जो है जड़ उसके अगल बगल ही रहता है, वो पोषक तत्व उसके अंदर चला जाएगा और पेड़ में अत्यधिक वृद्धि होगा और फल जो होता है, जो झड़ता है, वो क्या होगा, वो झड़ने बंद हो जाएगा। तो इस टाइप से मैंने क्या करना है, पूरे जो बैंगन का पेड़ है उसमें आपको ये यही वाला काम आपको करना है। उसके बाद मैं बताऊंगा इसके बाद क्या करना है। इस टाइप से पेड़ दे रहा हूँ, इस पेड़ के नज़दीक, जड़ के नज़दीक मैं पूरे में डाल रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसके लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि आगे क्या करना है। और अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं, आप अगर बर्मी कंपोस्ट तैयार करना चाहते हैं और बर्मी कंपोस्ट वो भी बहुत कम दिनों में और बिना खर्च के बर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करना चाहते हैं, लोग अक्सर बोल देते हैं कि बर्मी कंपोस्ट डालना है तो आप लोग को पता नहीं रहता है कि बर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करें। आप बाज़ार में जाते हैं, बहुत महंगा बर्मी कंपोस्ट आपको मिलता है। वो बर्मी कंपोस्ट महंगा आप लेने में एक बार दो बार तो सर ले लेते हैं, लेकिन बार बार लेने में बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो मैंने वीडियो एक बना रखा है कि बर्मी कंपोस्ट आप आसानी से अपने घर पे ही कैसे तैयार करें और अपने सब्जियों में उसको इस्तेमाल करें और पेस्टिसाइड केमिकल वगैरह से हमेशा दूर रहे। कोशिश करें कि थोड़ा सा भी सब्जी वगैरह हो, आपके बगान हो या छत पर भी, आजकल लोग सब्जी बहुत आसानी से उपजा लेते हैं, छोटे से ग्रो बैग वगैरह आता है उसमें आसानी से उपजा लेते हैं, तो ये बर्मी कंपोस्ट में बहुत लाभकारी होता है। बर्मी कंपोस्ट से ग्रोथ इतना तेज़ी से होता है कि मैं बताऊं दोस्तों, मेरा ये खेत जो आप देख रहे हैं एकदम बिल्कुल अनउपजाऊ था। इसको बर्मी कंपोस्ट डाल डाल के और सारी गली पत्तियाँ डाल डाल के मैंने इसको उपजाऊ बनाया है। आप भी इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको भी अगर रिजल्ट देखेगा और मेरा इन्फॉर्मेशन आपको सही लगेगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट और आपका आशीर्वाद ही और आपका प्यार ही हमको है कि आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मैं अभी नया नया चैनल बनाया हूँ तो इस टाइप का वीडियो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप हमको कितना प्यार देते हैं। देखिए उसके बाद क्या करना है, ये कुदाल ले लिया हूँ मैं। सभी बैंगन के पेड़ के जड़ के नज़दीक मैंने क्या किया, बर्मी कंपोस्ट डाल दिया और ये कुदाल ले लिया। और कुदाल से क्या करना है कि उसमें जो जड़ है ना, उसमें हवा भी उसके अंदर जाए, इसके लिए क्या करना है कि हल्का हल्का कुड़ाई कर लेना है।
अगर आपकी मिट्टी पहले से ही बहुत गीली है तो उसको उसको आप उसको थोड़ा सा एक दो दिन छोड़ भी सकते हैं बर्मी कंपोस्ट डालने के बाद, उसके बाद आप कुड़ाई कर लीजिए। मेरा मिट्टी थोड़ा सा गीला नहीं है, उसको कोड़ सकते हैं, तो मैंने कुदाल से उसको हल्का हल्का कोड़ लिया है और बर्मी कंपोस्ट को क्या कर दिया, उसको ज़मीन के अंदर डाल दिया। वो बर्मी कंपोस्ट जो ऊपर डाला वो थोड़ा सा अंदर चला गया, क्योंकि जड़ उसके ज़मीन के अंदर ही रहता है, ऊपर से वो बर्मी कंपोस्ट मेरा बेकार हो जाएगा, उसको जड़ के अंदर जाना ज़रूरी है। तो इस टाइप से मैंने पूरे को क्या करना है, धीरे धीरे हल्के हाथों से, अगर आप इस पे ध्यान दे के कुड़ाई करना है, क्योंकि अगर गलती से कुदाल उसके तने पर लग जाएगा तो पूरा बैंगन कट जाएगा। बैंगन कटना नहीं चाहिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको कुड़ाई करना है। देखिए मैंने ये पूरे को आपको वीडियो में पूरा नहीं बनाया कि मैंने पूरा सबको देखिएगा कि पहले क्या था, और मैंने इसको पूरा को कुड़ाई कर लिया है। ये देखिए मेरा पूरा बैंगन का पेड़ है, कितना हरा भरा है, आप देखिए। ये आपको साफ साफ पिक्चर में दिखेगा, मुझे बताने से क्या होता है। ये बर्मी कंपोस्ट का ही कमाल है, और जिस टाइप से मैं विधि बताता हूँ वो इस्तेमाल कीजिए, अगर आपका मिट्टी बहुत ही ख़राब क्यों ना हो। लोग बोलते हैं कि आपकी मिट्टी में क्या होगा, बहुत ही ख़राब मिट्टी है, इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन अब देखिए इसी मिट्टी को हमने क्या से क्या बना दिया। तो मैंने सबको पूरे जगह जड़ पूरे प्लॉट को जितना जगह पर मैंने बैंगन लगा के रखा था वो पूरे को कोड़ दिया है। कोड़ने के बाद अब आगे क्या करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए अभी फूल इसमें पूरा हर जगह, देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, फूल हर जगह लगा हुआ है और फल भी हर जगह बन रहा है, और बहुत तेज़ी से इसका फल विकसित हो रहा है। तो जिस समय फल अगर विकसित हो रहा है उस समय आप अगर इसमें बर्मी कंपोस्ट या अलग टाइप का जो होता है वो सब नहीं डालिएगा, तो ये इसका फल क्या हो जाएगा, झड़ जाएगा। अगर आपका फूल झड़ जाता है, उसके लिए भी अगर चाहते हैं कि फूल नहीं झड़े और अलग से उसके लिए क्या प्रबंधन करें, इसके लिए अगर आप जानकारी चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा अपने बाग में क्या काम करें जिससे कि आपका फूल अगर ये बर्मी कंपोस्ट डालने के बाद भी अगर कुछ हल्का फल्का झड़ता है तो वो भी नहीं झड़ेगा, उसका भी उपाय है मेरे पास, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं उसको भी बता दूँगा। तो उसके बाद क्या करना है, जब पूरे बैंगन के अगल बगल मैंने सब पूरे ग्राउंड को वहाँ पे कोड़ लिया कुदाल से, उसके बाद क्या करना है कि आपको पानी का स्प्रे हल्का हल्का ज़रूर करना है, ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर गर्मी का दिन है तो। ये मैं जो प्लॉट आपको दिखा रहा हूँ, मैं प्लांट दिखा रहा हूँ, ये गर्मी के मौसम में अभी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में पानी की अत्यधिक आवश्यकता रहती है। ठंड में थोड़ा कम पानी भी दीजिएगा, लेकिन जड़ में पानी देने से क्या होगा कि वो जो बर्मी कंपोस्ट डाले वो रिस के उसके जड़ के अंदर तक चला जाएगा, जड़ के अंदर तक जाएगा, और बस 102 दिन में ये क्या होगा ना कि वो जड़ उसको अवशोषित करना स्टार्ट कर देगा और प्लांट का ग्रोथ और भी तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगा, और फल भी जो बना है छोटा छोटा वो भी बहुत तेज़ी से विकसित होगा। देखिए मैंने पूरे को प्लांट को पानी दे रहा हूँ, और आप भी इसी टाइप से पानी दे दीजिएगा। देखिए इस टाइप से आपको पानी हर जगह दे देना है। मैं और भी कई एक तरह का सब्ज़ी लगा के रखा हूँ, और बाकी टाइप के सब्ज़ी में मैं क्या क्या करता हूँ वो भी बहुत हरा भरा है, क्या करता हूँ वो भी वीडियो में आपको आप बोलिएगा तो ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन से अच्छा लगता है दोस्तों तो हमको प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि आपके सामने इसी टाइप का वीडियो आगे भी लाते रहूं। धन्यवाद।